दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आपकी हीरो HF डिलक्स BS6 FI बाइक है और आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग या मिसिंग प्रॉब्लम लगती है, तो ऐसे में देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम इसके अंदर कार्बोरेटर लगा सकते हैं। तो ऐसे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर बंदा कोई यूट्यूब पर काम करता है और जो हमारे मार्केट में कोई नज़दीकी मैकेनिक भाई होते हैं तो वो हमारे संपर्क में भी रहते हैं, तो ऐसे में सभी जो है कुछ ना कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस मैकेनिक भाई ने जो है मुझसे पूछा कि मेरे पास एक डिलक्स आई है, मैंने उसके अंदर ये जो है कुछ बदलाव करना है, कार्बोरेटर लगाना है, तो आपने इसके अंदर किस तरीके से लगाया है, वो सब मैंने उसको बता दिया। तो इस भाई ने क्या किया, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये मात्र अभी 17,400 कुछ किलोमीटर चली हुई है जो हमारी हीरो HF डिलक्स BS6 FI बाइक है, तो यहाँ पर इस भाई ने क्या किया, यहाँ पर उसने जो है चलिए इंश्योरेंस के थ्रू यहाँ पर अपनी किसी जानकारी में यहाँ पर जो है उसको फ्यूल टैंक यहाँ पर ये BS4 वाली मिल गई। तो यहाँ पर उसने क्या किया, देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये BS6 FI बाइक है और यहाँ पर ये इसके थ्रॉटल बॉडी साइड में यहाँ पर उस भाई ने इस तरीके से यहाँ पर उसको टांग दिया। तो यहाँ पर उसने थोड़ा इसको कवर करना चाहिए वैसे, तो यहाँ पर ये जो बाइक है इसके अंदर उसने कार्बोरेटर लगा दिया और यहाँ पर जो इसकी ये फ्यूल टैंक है इसको यहाँ पर इसने पेट्रोल टी वेल्डिंग तो नहीं कराई, इसने जो है इसके अंदर जो हमारी BS4 डिलक्स बाइक है उसकी यहाँ पर ये पेट्रोल टैंक इसमें रख दी है। चलिए इसको जहाँ से मिली वो उसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको उसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा और इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी हीरो की HF डिलक्स BS6 बाइक आती है और उसके अंदर आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप चाहें तो अगर मान लो आपकी बाइक 2020 या 21 मॉडल है और उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसके अंदर जो है अपनी बाइक का फ्यूल पंप चेंज करा दें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। इनके अंदर जो है जो पुराने मॉडल हैं 2020 और 21 के, उनके अंदर जो है ये फ्यूल पंप से लेकर ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए जो ये HF डिलक्स BS6 बाइक है इसके अंदर इस भाई ने कार्बोरेटर लगा दिया और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो ये फ्यूल टैंक होती है, आप चाहे तो इसके अंदर पेट्रोल टी वी वेल्डिंग करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए इस भाई ने तो इसको यहाँ पर ये नई परचेज़ कर ली या इसको जहाँ से भी मिली इसने जो है इसको यहाँ पर इसमें फिट कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आपकी हीरो HF डिलक्स BS6 बाइक है और उसके अंदर आपको जो है कुछ बदलाव करना है, कार्बोरेटर लगाना है, तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो उसकी पेट्रोल टैंक को भी चेंज कर सकते हैं जो हमारी BS4 वाली है, या इसके अंदर जो है पेट्रोल टी वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और आप अगर उसके अंदर जो है कुछ बदलाव नहीं करना चाहते तो आपने उसके अंदर जो है जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो आपकी बाइक 2020 या 21 की है, तो उसके अंदर आपको जो है नया फ्यूल पंप चेंज करवा लेना है जिसकी कीमत है 2570 रुपये, तो वो आपको एजेंसी से मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर चेंज करा लेना, तो आपको उसके अंदर कोई स्टार्टिंग मिसिंग से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे कि ये धूप में खड़ी रहती है तब भी आपके उसके अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको दिल से लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक भाई हैं जो हमारे बिलासपुर में हैं, जैसे कि हमारा सिटी बिलासपुर लगता है और डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, स्टेट हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हमारे लोकल भाई हैं मैकेनिक भाई, वो हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं, और अगर उनको कुछ हमसे पूछना होता है तो हम उनको बता देते, तो हम उनकी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करवा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इसी तरीके से हमें जो है आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से लेकर कोई ना कोई सवाल जवाब हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।